हजार साल पहले एक राजा थे जिनके साम्राज्य में एक लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में कई सैनिक मारे गए, कई सिपाही घायल हुए, राजा के साम्राज्य की ताकत कम गई। किसी ने राजा को बोला कि एक तांत्रिक है जो काले जादू से आपकी मदद करेगा, तब आप लड़ाई जीत सकते हो। राजा तांत्रिक के पास आए। तांत्रिक अपने दो सिपाही के साथ एक खाली कफिन बक्स को लेके राजा के पास आ गया। राजा के सामने सिपाही खड़ा हुआ और तांत्रिक उसके साथ था। एक खाली कफिन बक्स साथ लाए। तांत्रिक बोलता है राजा को, अपने कमजोर से सिपाही को मेरे पास बुलाया जाए। घायल कमजोर सिपाही राजा के आदेश सुनते ही तांत्रिक के पास चली जाती। तांत्रिक के पास जैसे ही सिपाही आके पहुंचते, कमजोर घायल सिपाही, जैसे ही तांत्रिक उन्हें देखता, जोर जोर से हंसने लगता और अपनी काली मंत्रों को पढ़ता। जैसे ही मंत्र पढ़ता वो सिपाही बेहोश हो जाता, उसका होश ना होता। जैसे ही सिपाही बेहोश होता, उसे तांत्रिक के लोग उठाते और इसी खफीन बक्स के अंदर सुला देते गहरी नींद में। जैसे ही कफिन बक्स के अंदर उस कमजोर सिपाही को सुला दिया जाता, तांत्रिक बोलता महाराज को इसके दरवाजों को बंद कर दिया जाए और उसे गहरी नींद में सो दिया जाए। तांत्रिक अपने काली मंत्रों को पढ़ता। जैसे ही काली मंत्र वो पढ़ता, कफिन में बंद हुआ इंसान चिल्लाने लगता, जलने लगता, छटपटाने लगता और वो बन जाता एक कंकाल। जैसे ही वो कंकाल बन जाता, महाराज घबरा जाते। तांत्रिक काली अंधेरी दुनिया से एक आत्मा को, शक्तिशाली आत्मा को इसी कंकाल के अंदर बुलाता। सभी कमजोर सिपाही को कंकाल सैनिक बना दिया जाता, जो कभी न मरते, कभी न मिटते और अमर हो जाते। और महाराज उस लड़ाई को जीत जाते। Ladies and gentlemen, आज इसी के साथ ही मैं जादूगर बादशाह आप लोगों से विदाई लेता हूं। चलन, टाटा, बाय बाय एंड सी यू लेटर।